नमस्कार दोस्तों, सर्जिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग जो है जनरल साइंस पोर्शन आपका जो है कवर करेंगे, और जो आपका जनरल साइंस पोर्शन है जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है RRB ALP की, और देखिए JEE का भी जो है आपका आने वाला है जो कि मेंशन किया गया था आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में, और साथ में जो टेक्नीशियन है, तो इसमें देखिए जो आपका जनरल साइंस जो पोर्शन है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और ये जो पोर्शन है आपका, आज हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। और देखिए ये जो है सीरीज आपका इसी तरीके से चलता ही रहेगा, आपका जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी हम लोग इसमें साथ साथ आपका कराते चलेंगे, और थ्योरी तो आपका रहेगा ही, क्वेश्चन भी आपका साथ साथ में हम कराते चलेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी इसके लिए लॉन्च किया हुआ है, और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, जैसे कि JEE का, ALP का और टेक्नीशियन का, तो देखिए इसमें जो आपका जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए, तो इसका देखिए हम आपको जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे इनका, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस जो है आपका, तो ये जो है पूरा कंप्लीट आपका कराया जाएगा। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो हम आपको कराएंगे ही डिटेल में, इसके साथ में PDF भी जो है आपको इन सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो कोर्स है आपका ओनली 249 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो, आपका जो भी रेलवे के एग्जामिनेशन आपके होने वाले होंगे, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपका, जो हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग PDF भी सिर्फ बाय करना चाहते हो तो इसका भी जो है हमने बना दिया है, जैसे कि आपका बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इसके अलावा जो है आपका जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का है, तो सभी का हमने जो है अपडेटेड PDF बना दिया है आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके सिलेबस हैं जो मेंशन किए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सबको देखते हुए जो हमने वो सारे टॉपिक को इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप लोग इनको पढ़ोगे आप लोग, तो इनसे भी जो है आपका अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा, और जो लोग कोर्स में इनरोल रहेंगे तो उनको PDF तो आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो हमने सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आपको इन सभी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज के क्लास में जो है हम लोग न्यूट्रिशन टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए न्यूट्रिशन का मतलब रहता है यहाँ पर आपका, कि जैसे जो मोड ऑफ टेकिंग जो फूड होती है ना, यानी कि किस तरीके से जो है आप फूड अपना कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपना जैसे कि इनटेक करते हैं, या फिर वो खुद से प्रिपेयर करते हैं अपना ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए या रिपेयर के लिए, तो ये सारा चीज़ जो है इसके अंदर में हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके बाद देखेंगे प्लांट के अंदर में किस तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो है मोड ऑफ जो फूड लेने की जो होती है इनकी, तरीका जो होता है आपका ऑर्गेनिजम्स का, और किस तरीके से जो है बॉडी यूटिलाइजेशन होती है अपने ग्रोथ रिपेयर मैकेनिज्म्स के लिए, तो ये सब जो है इसके अंदर में स्टडी किया जाता है। तो मोस्टली देखिए जो न्यूट्रिशन है ना आपका, तो ये जो है दो ही तरीके के होते हैं आपके, मतलब ब्रॉड कैटेगरी में डिविजन किया जाए आपका। तो पहला आपका जैसे कि ऑटोट्रॉफिक है, जो कि खुद से जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं। दूसरा आपका होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो यानी कि इनको जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे के ऊपर में, ये खुद से जो है अपना भोजन प्रिपेयर या नहीं कर सकते हैं। तो यही दो मेजर कैटेगरी आपका है। और बाकी देखिए जैसे कि आपके जो दूसरे पे निर्भर होते हैं, तो एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स अधिकतर आपको यही देखने को मिलेंगे आपको जो मूवमेंट करता है, तो इसमें भी फर्दर जो है इनका और भी डिवीजन किया गया हुआ है। जैसे कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड को फॉलो करते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, और कुछ जो है आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में, ऑटोट्रॉप्स के अंदर में, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या क्या होती है। तो देखिए ऐसे प्लांट्स जो होते हैं आप एक्चुअली इसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं, मतलब कि जो अपना खुद का ही जो है भोजन तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपना ही फूड। एग्जाम्पल आपके ग्रीन प्लांट इसके हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉप का, मतलब खुद से भोजन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम लोग, उसको जो हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाकी देखिए दूसरा आपका है हेटरोट्रॉप्स है, यानी कि ये जो है न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन करते हैं ऑटोट्रॉप से ही, जो खुद भोजन यहाँ पे बनाते हैं जाहिर सी बात है उन्हीं से तो जो है हम लोग ऑब्टेन करेंगे। अब जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हम लोग क्या है अपना भोजन हम लोग खुद तैयार करते हैं या फिर जो हमको डिपेंडेंट होनी पड़ती है, तो हम लोग भी देखिए जो हेटरोट्रॉप के अंदर में ही हम लोग आते हैं।
ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे भोजन किचन में तैयार करते हैं तो हम लोग ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे, क्योंकि हमें भी जो है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर में ही डिपेंडेंट होनी पड़ती है। तो हम लोग भी जो है ह्यूमंस भी ऑटोट्रॉफ कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन भी बहुत तरीके के होते हैं आपके, होलोजिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक, तो यहाँ पे जो है हम लोग इनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो आपका रहता है, तो इसके अंदर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, तो ये अपना न्यूट्रिशन जो है, तो ये जैसे जो बॉडी जो होती है इनके खुद की जो होस्ट जो बॉडी होती है, तो उसी से जो है इनको मिलती है, उसी से अपने न्यूट्रिशन या ऑब्टेंड करते हैं। तो उस तरह के ऑर्गेन्स को बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल आपको मेनली पूछा था, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो जैसे कसकटा आपका हो गया, फ्लीज हो गया, लाइस हो गया आपका, और टैपवर्म हो गया। आप देखिए ये फिगर में आप इन सबको देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ फिगर के अंदर में देख सकते हो, यहाँ पे आपका जैसे लाइस है जो जू होते हैं, जू है जो होते हैं आपके, और फ्लीज आपका हो गया, और ये टैपवर्म है। तो ये जो है जो बॉडी होस्ट में जो भी ये रहे, जहाँ पे भी ये रहे, तो उन्हीं से जो है अपना ये न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया करते हैं। तो इनको बोलेंगे हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले बोलेंगे। तो एग्जाम्पल मेनली पूछा जाता है कि जैसे कि आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें से कौन सा फॉलो करता है, तो आपका होगा कैस्केटा, फ्लीज, लाइस या फिर टेपवर्म। अब भाई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में कि डैश इज नॉट ए मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इनमें से कौन सा जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। यहाँ देखिए दिया आपका ऑप्शन में पैरासाइटिक, ये भी आपका होगा, होलोजोइक भी आपका होगा, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ सेप्रोफाइटिक भी होगा, लेकिन जो ऑटोमेटिक है आपका, तो ये जो है कोई हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में नहीं आता है आपका। आप जैसे कि देख सकते हो हेटरोट्रॉफिक मोड जो आपका था होलोजोइक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक, तो यहाँ पे जो है थ्री इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल ही पूछा गया था आपसे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो है आपका यहाँ पे दैट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, तो इसके अंदर में जो न्यूट्रिशन जो ऑब्टेंड करती है, मतलब जो न्यूट्रिशन जो होता है आपका यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड करते हैं, तो वो जो है डेड या डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर, उन पे जो है निर्भर करने पड़ती है, उन्हीं से जो है इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें आपको जैसे एगेरिकस, बैक्टीरिया, फंगी हो गया, तो ये सब जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अगला आपका है सिम्बायोटिक मोड है। तो देखिए सिम्बायोटिक के अंदर में जो है यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म जो है, तो वो एक म्यूचुअल बेनिफिट्स को ये शेयरिंग करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका जैसे लाइकेन आपका हो गया। फिर अगला देखिए इसके अंदर में एक इंसेक्टिवोरस है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इंसेक्टिवोरस कुछ ऐसे ये प्लांट भी आपके होते हैं एक्चुअली में। तो देखिए ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, जो कि ये जो है अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करना पड़ता है यहाँ पर इनको, ये कुछ एनिमल्स इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं अपने अंदर में, और फिर जो है उन्हीं को ये कंज्यूम करते हैं, और उन्हीं से जो है इनको मिलती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस। आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख सकते हो पीचर प्लांट का, आपका एक्चुअली एग्जांपल आपका इंसेक्टिवोरस का पीचर प्लांट है। तो देखिए इनमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कोई इंसेक्ट अगर इनके अंदर में आया यहाँ पे, तो फिर ये उनको ट्रैप कर लेते हैं और उन्हीं को कंज्यूम करके इनका जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस फुलफिल होती है। तो इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल पूछा था तो वह आपका पीचर प्लांट है, ये आप लोग याद रखना। अगला आपका है होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसके अंदर में ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि ये फीड करते हैं, मतलब अपना जैसे भोजन जो लेते हैं अपना यहाँ पे, तो पहले देखिए क्या करते हैं कि ये जो है जो सॉलिड ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उनको पहले ये इंजेस्ट करेंगे, यानी कि वो अंदर लेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद जो है उसको डाइजेस्ट करेंगे, और फिर बाद में जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर में। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस में होती है, पहले इंजेशन का, फिर उसके बाद जो है डाइजेशन का, फिर एब्जॉर्प्शन का। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, इस तरीके का जो यहाँ पे आपका फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोस्टली देखिए ह्यूमंस और एनिमल्स जो है, तो यही हम लोग मोड के अंदर में आते हैं यहाँ पे, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपका, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस इसको बोला जाता है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है इसके अंदर में, कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं यहाँ पे, तो वो जो है अपना स्वयं का भोजन ये तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है आपका यहाँ पे, कि जिसमें कि ये प्लांट जो है ये जैसे एनर्जी सनलाइट्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे,
अपना भोजन को तैयार करने के लिए। तो देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी इनको मिलती है, तो फिर इससे जो है ग्लूकोज का यहाँ पे निर्माण होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। और यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस आपका होता है आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में जो है ऑक्सीजन, तो ये जो है आपके फॉर्मेशन होती है इनके यहाँ पे। आप प्रोसेस देख सकते हो, जैसे CO2 बाहर से होता है आपका, वाटर जो है आपका हम लोग प्लांट के अंदर में देते हैं हम लोग, तो लाइट के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी और साथ में जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये है प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस का, बाय प्रोडक्ट इसके अंदर में क्या क्या बनता है, तो ये जो है प्रोसेस आपको यहाँ पे याद रखना होगा एग्जाम के लिए। और इसमें देखिए जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का आपका, तो वो होता है एक्चुअली लीफ में होता है, यानी कि जो पत्ते जो होता है ना, तो वहाँ पे आपका होता है एक्चुअली ये, और उसको जो फूड फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए जो लीव्स होता है उसके अंदर में जो है क्लोरोफिल होते हैं जो कि सनलाइट को यही जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में सनलाइट, जैसे कि ये पत्ते जो होते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, और फिर जो है वाटर आपका मिलता है अंदर से जड़ से जो होते हैं, यानी कि रूट में जो वाटर जैसे यहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे इनको मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जैसे बहुत मात्रा में प्रेजेंट तो है ही, तो ये सब जैसे कंबाइन होता है आपका यहाँ पे, तो शुगर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक्चुअली ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन जो है आपका फिर ये रिलीज होता है। तो ये जो है प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस कैसे होता है आपका यहाँ पर, जैसे जो लीव्स है जो पत्ते होते हैं, तो ये जैसे CO2 ऑब्जर्व करते हैं डे टाइम के, मतलब जब दिन रहता है आपका उस समय जो है CO2 ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, तो उस समय देखिए क्या होता है कि जब सनलाइट प्रेजेंट होने के चलते जो पत्ते होते हैं तो उनमें जो स्टोमेटा होती है तो वो ओपन हो जाते हैं, और फिर वाटर जो आपका सॉइल के थ्रू यहाँ पे आता है आपका ऑब्जर्व होती है, और इन सब रॉ मटेरियल्स की मदद से जो है आपका, यानी कि जो रॉ मटेरियल वाटर और यहाँ पे आपका CO2 लग रहा है यहाँ पे, लीव जो है सिंथेसाइज करता है फूड को, और प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए डे टाइम में जैसे हमने को बताया था यहाँ पे कि सनलाइट जब पड़ती है तो ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो स्टोमेटा जो होती है तो वो ओपन हो जाते हैं, और फिर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो आपका नाइट का टाइम होता है यहाँ पे, तो उस समय जो स्टोमेटा है वो आपका क्लोज हो जाता है, मतलब कि उस समय सनलाइट नहीं पड़ती है तो आपका जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, तो डे टाइम में ही जो है आपका स्टोमेटा ओपन होता है, CO2 एंटर करता है, लेकिन रात के समय में जो है स्टोमेटा बंद हो जाती है, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी कि उस समय जो है ये ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करती है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पे। अब आइए देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि पूछा गया था आपसे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि व्हाट इज C12H22O11 ऑल्सो नोन एज, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग शुगर, बोलते हैं हम लोग एक्चुअली यहाँ पे, जो कि आपका फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर में। तो क्या होगा बी इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो फोटोसिंथेसिस के इंड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जब लाइट के प्रेजेंस में आपका होता है तो जैसे शुगर की निर्माण होती है आपका यहाँ पर ये C6H12O6 आपका यहाँ पे, और फिर ऑक्सीजन रिलीज आपका होता है, तो जो इंड प्रोडक्ट है आपका इसके अंदर में फोटोसिंथेसिस का क्या क्या आपका होता है। यहाँ पे देखिए जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट है आपका, प्रोटीन है, लिपिड या स्टेरॉइड है, तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट ही आपका जो कि शुगर कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, यही जो है आपका इंड प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपका, तो इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है आपका दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो कि ये बनता है आपका, इसको ग्लूकोज भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है जो बन रहा है आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस आप लोग देख रहे होते हैं, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है आपका, यानी कि इसके अंदर में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जो है यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है आपका, तो ये जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है एक्चुअली में आपका यहाँ पर। और जो O2 जो है आपका, ये जैसे ऑप्टेंड आपका होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के चलते आपका यहाँ पे हो रहा है, और नाइट टाइम के समय में जैसे हमने उनको बताया था कि जो स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है और CO2 जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा इस केस में। आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो लीव्स है, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है, CO2 जो है आपका ये स्टोमेटा ओपन होने के चलते जो है आपका एंटर करता है यहाँ पे, लेकिन जब नाइट टाइम आपका होगा तो ये स्टोमेटा जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो उस केस में जो है यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये नेचुरल तो होता ही है सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी इसको कर सकते हैं हम लोग, यानी कि नेचुरल तरीका से एक तो होता ही है सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है, यानी कि जिस समय सनलाइट प्रेजेंट ना रहे लेकिन इनको आर्टिफिशियल लाइट दे के भी जो है इनको कराया जा सकता है। लेकिन देखिए वो लाइट जो है आपका वो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होना चाहिए, तो ही जो है आपका ये हो सकता है। और बाकी देखिए जो प्रोसेस आपका होता है ना फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो हो रहा है आपका यहाँ पर ये,
तो सोलर एनर्जी के कंपैरिजन में जहाँ पर ये बहुत ही कम होता है, वहाँ पे 1% ही होती है एक्चुअली में। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम लोग कलर की, कौन कौन सा कलर जो है एक्चुअली जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो मैक्सिमम जो होता है आपका रेड लाइट के प्रेजेंस में, फिर उसके बाद ब्लू येलो ये सब आपके होते हैं, और मिनिमम आपको ग्रीन लाइट में होती है। अगर ग्रीन लाइट है तो उसमें आपको फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम मात्रा में होगा, सबसे ज़्यादा आपका होता है रेड लाइट के प्रेजेंस में। और देखिए एक टर्म आपका होता है प्रोडक्टिविटी का, तो प्रोडक्टिविटी जो होता है ना फोटोसिंथेसिस का, अगर ये हम लोग कंपेरिजन करें कि कहाँ पे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम आपका देखिए ये होता है टेरेस्ट्रियल सिस्टम के अंदर में, मतलब कि जो लैंड इकोसिस्टम है उसमें आपका होता है यहाँ पे, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन जो होता है ना मैक्सिमम, तो वो मैरीन इकोसिस्टम के अंदर में ही होती है। मैरीन की भी देखिए जाहिर सी बात है जो मैरीन है यानी कि जो समुद्री जो होता है आपका होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग जो है आपका 75-70% अब जो है आपका समुद्र से ही है आपका घिरा हुआ, तो मैरिन में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका जो प्रोडक्शन होती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के केस में यानी कि कम जो है एरिया के अंदर में ज़्यादा प्रोडक्शन होना होता है, तो वो आपका लैंड इकोसिस्टम में ही आपका होता है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में देखिए पूछा गया हुआ था। क्वेश्चन है कि आर यू बी पी एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर, तो देखिए जो आर यू बी पी एक एंजाइम है आपका एक्चुअली ये, इसका देखिए नाम होता है आपका राइबुलोज 1,5-बायोफॉस्फेट। तो ये जो है आपका एक 5-कार्बन शुगर आपका रहता है, जो कि ये CO2 से जब रिएक्ट करता है आपका फर्स्ट स्टेप जो आपका रहता है इसके अंदर में जो कैल्विन साइकिल रहती है, तो ये देखिए काम इसका होता है कि ये कार्बन को फिक्स करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर में सिस्टम के अंदर में। तो ये जो है एक रिएक्शन आपका रहता है जो कि ये कैटलाइज करता है यहाँ पे, जैसे लैंड रूप इसको एंजाइम जो रहता है उसके प्रेजेंस में एक्चुअली में, तो ये एक एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको जो ये याद रखना है एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एंजाइम आपका किसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अ प्लांट रिमेन इन द डार्क फॉर द सेवरल डेज एंड डाइड बिकॉज इट कुड नॉट। तो देखिए कोई एक प्लांट था उसको जो है डार्क में रखा गया, मतलब अंधेरे में रखा गया बहुत दिनों तक रखा गया, और फिर जो है वो यहाँ पे डाइड, मतलब कि वो मर गया। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो देखिए काफ़ी सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि जो जो पौधे होते हैं तो उनको जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करनी होती है। तो अगर मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर हुआ ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको फूड नहीं मिल पाएगा, जो उनको जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में फूड जो है निर्माण होती है, तो जो लाइट मिलेगा ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है तो वो डाई तो कर ही जाएगा, मर ही जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड, तो देखिए इवापोरेशन जो होता है ना वाटर का जैसे लीव्स जो होता है वहाँ से हो रहा है प्लांट के अंदर में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन, इवापोरेशन, तो देखिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि वाटर का जैसे वो आपका गैस में बनता है, मतलब कन्वर्ट आपका हो जाता है वो, यानी कि वाटर वेपर में बदलता है आपका, तो इस प्रोसेस की इवापोरेशन तो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट के जो लीव्स है ना तो उनसे जो है वाटर का इवापोरेशन हो रही है, तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं लोग ट्रांसपिरेशन। तो आपको जो है ये वाला याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि डैश इज नॉट असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कौन इनमें से असेंशियल नहीं है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है CO2। CO2 भी आपका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होते ही है, सनलाइट भी है आपका, क्लोरोफिल जो है आपका ये भी इंपॉर्टेंट होता है, O2 जो है ये असेंशियल नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि देखिए O2 तो जो है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है ये रिलीज होता है आपका, ना कि ये जो है असेंशियल होता है। तो क्या होगा, 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया था, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इससे कि विच टाइप ऑफ लाइट इज बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट, तो कौन सा टाइप ऑफ लाइट जो है बेस्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्हाइट लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट या ग्रीन लाइट। तो देखिए हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो है जो बेस्ट लाइट है, मतलब कि जो मैक्सिमम होता है, तो आपका होता है रेड लाइट के अंदर में, और मिनिमम होता है ग्रीन लाइट के अंदर में, तो ये आपको याद रखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स के रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दे डू नॉट रिस्पायर, तो क्या वो रिस्पायर नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो दिया हुआ सेंटेंस ये गलत है। देखिए प्लांट जो होते हैं तो वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो क्या सही नहीं है तो वही आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पे ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी और भी ऑप्शन देखो आप लोग, दिया हुआ है कि दे मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस का, तो उसमें जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत तो पड़ती ही है। तो ये तो सही है आपका। अगला दिया हुआ है कि देयर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि उनके जो जड़े जो होते हैं तो वो वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो ये भी सही है आपका। अगला दिया हुआ है कि फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो फ्लावर जो है उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो ये भी सही है। हमने आपको बताया था कि जो फ्लावर होती है उनके अंदर में जो ओवरी होते हैं, तो वही जो है आपका होता है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो कि पॉलिनेशन प्रोसेस आपका होता है, एंथर से स्टिग्मा में आपका जाता है प्रोसेस। तो ये तीनों जो है आपके यहाँ पे सही दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन दिया हुआ है कि दे डू नॉट रिस्पायर, यानी कि वो रिस्पायर नहीं करते, तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत है प्लांट्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए, आपको अगर सारे चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, पता रहेगा, आपने स्टडी किया हुआ है, तो क्वेश्चन करने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग जो है इजिली कर लोगे इन सभी को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि फाइटो हार्मोन्स आर, तो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका फाइटो और हार्मोन्स के बारे में आपको हमने पढ़ाया था कि ये जो है जैसे कि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स का ग्रोथ के लिए, या फिर जो है उनके जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए वो एसेंशियल होते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ फाइटो, फाइटो मतलब होगा जैसे कि कुछ लाइट से रिलेटेड आप आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग अगर बोर्ड को देखोगे अच्छे से तो उसी समझ में आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि रेगुलेटर्स सिंथेसाइज बाय प्लांट इन्फ्लुएंसिंग द बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। अगला दिया हुआ है कि सब्सटेंस कंटेनिंग डिजीजेस या सब्सटेंस यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस या केमिकल यूज फॉर द पीलिंग। तो देखिए, जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं तो ये सब्सटेंस होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो थ्री आपका राइट आंसर है इसका आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लांट हार्मोन्स के बारे में दिया, जो कि इसको बोलते हैं हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है केमिकल्स होते हैं जो कि ये प्लांट्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि उनका जैसे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्टिव के लिए, लॉन्गिविटी के लिए, या फिर जो है उनका इवन डेथ के लिए, इन सभी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइटो हार्मोन। तो यहाँ पे ये सब्सटेंस फोटोसिंथेसिस के लिए भी जो है यूज़ किए जाते हैं। तो ये थ्री आपका देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका प्लांट से रिलेटेड, मतलब प्लांट जो आपका किंगडम था, यानी कि जो बॉटनी का जो पोर्शन वो देख रहे थे, तो वो जो है आपका पूरा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और बाकी जो रहेगा तो उसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से आप लोग स्टडी करते रहो।